यस बेटे, अब ये रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 11, ठीक है बेटे। जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 9 और 10 नहीं देखा है बेटे, तो प्लीज एक बार वो लेक्चर नंबर 9 और 10 जरूर देखें। लेक्चर नंबर 11 के अंदर बेटे आप करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला को ड्राइव बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का एक ही केस है, जैसे कॉनकेव के दो थे बेटे, एक रियल इमेज का और एक वर्चुअल इमेज का। कन्वेक्स के लिए सिर्फ एक ही है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करता है बेटे, स्मॉल साइज की और वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो इसके केस के अंदर भी देखो बेटे, यहाँ पर अपने एक कन्वेक्स मिरर लिया, अगर इसका मैं रे डायग्राम थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, तो एक कन्वेक्स मिरर है बेटे, इसके अंदर ए बी ऑब्जेक्ट लिया है। यहाँ से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास करती है, प्रिंसिपल फोकस में से पास करती है। सेकेंड लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करवाते हैं बेटे, तो उसी पाथ में वो रिफ्लेक्ट होकर आती। थर्ड, अगर पोल पे फॉल करेगी तो वो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इक्वल हो जाता है बेटे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो यहां पर भी बेटे अपने पास दो ट्रायंगल फॉर्म होती हैं, सिमिलर ट्रायंगल ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, दो ट्रायंगल फॉर्म हुई बेटे यहां पर। इन ट्रायंगल के अंदर बेटे देखो, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी डैश दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और एंगल आर जो वर्टिकली अपोजिट है इस एंगल के, तो ये दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल क्या हो जाते हैं बेटे, इक्वल हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी थ्योरम, अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है, और दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं। और सिमिलर होने के बाद बेटे ट्रायंगल एबीपी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, और अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी थ्योरम देयर प्रोपोर्शन ऑलवेज इक्वल, ए डैश बी डैश बाय ए बी इक्वल टू बी डैश पी बाय बी पी, और बी डैश पी की वैल्यू क्या है बेटे अपने पास, ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी की वैल्यू क्या है बेटे अपने पास, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इसकी वैल्यू क्या लेंगे, प्लस वी, और बी पी की वैल्यू क्या है बेटे अपने पास, माइनस यू। से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, अब सेकेंड बेटे ऐसे ही सेम अपने पास एक और ट्रायंगल फॉर्म हो रही है बेटे, बी डैश ए डैश बी डैश सी और ए बी सी दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, एंगल बी और बी डैश दोनों का 90 डिग्री है, एंगल सी दोनों के अंदर क्या बेटे कॉमन है। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, तो अपने पास क्या बना बेटे, साइड्स का प्रोपोर्शन ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू बी डैश सी बाय बी सी, तो वैल्यू क्या होगी बेटे, ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू बी डैश सी को क्या लिखोगे बेटे आप, बी डैश सी की आपको वैल्यू निकालनी है, तो बी डैश सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर आप क्या करो बेटे, पी बी डैश पी पी सी में से पी बी डैश को क्या कर दो बेटे, माइनस कर दो, तो आपके पास बी डैश सी की वैल्यू आ जाएगी, मतलब पी सी माइनस पी बी डैश बाय बी सी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो क्या लिखा जाएगा बेटे, बी पी प्लस पी सी, तो अपने पास वैल्यू अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इनकी वैल्यू पुट करेंगे बेटे, ए डैश बी डैश बाय ए बी की वैल्यू क्या बनेगी, पी सी की वैल्यू अपने पास क्या है बेटे, पी सी की वैल्यू प्लस आर, माइनस पी बी डैश की वैल्यू क्या बेटे, प्लस वी, बाय बी पी की वैल्यू क्या है, माइनस यू, प्लस पी सी की वैल्यू क्या अपने पास, आर। तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई बेटे, तो ए डैश बी डैश बाय ए बी की दो वैल्यू आ जाती है, वी बाय माइनस यू एंड आर माइनस वी बाय माइनस यू प्लस आर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो वी बाय माइनस यू, वी बाय माइनस यू इज इक्वल टू आर माइनस वी बाय माइनस यू प्लस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे बेटे दोनों तरफ, तो अपने पास क्या बन गया, ये माइनस यू आर प्लस यू वी इज इक्वल टू माइनस यू वी प्लस वी आर। तो अब आर वाले टर्म को एक तरफ करते हैं, यू वी वाले टर्म को इसको इस तरफ, तो यू वी ऑलरेडी प्लस का इस तरफ है, ये इस तरफ आएगा, तो प्लस का यू वी, यू वी इज इक्वल टू वी आर ऑलरेडी प्लस का, यू आर उस तरफ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, प्लस यू आर बेटे, तो दोनों इस तरफ क्या बन गया बेटे, ये टू यू वी इज इक्वल टू वी आर प्लस यू आर, तो डिवाइड बोथ साइड बाय यू वी आर,
divide both side by UVR. तो एक बार बेटे आप वीडियो को पॉज करें और एक स्क्रीनशॉट लें इसका. हाँ जी, तो इस तरफ से इरेज करने लगा बेटे मैं थोड़ा सा. तो क्या बन गया बेटे अपने पास, 2UV by UVR is equal to VR by UVR plus UR by UVR. तो जो कैंसल आउट होते हैं कैंसल आउट करो बेटे, UV से UV कैंसल आउट, VR से VR कैंसल आउट, UR से UR कैंसल आउट. तो क्या बन गया, 2 by R is equal to 1 by U plus 1 by V. और R का अपने पास पता है फोकल लेंथ के साथ क्या रिलेशन रहता है, R is equal to 2F. तो R की वैल्यू अगर मैं 2F पुट करता हूं तो R is equal to क्या होगा बेटे, यहां पर 2F पुट होगा is equal to 1 by U plus 1 by V. तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो 1 by F is equal to 1 by U plus 1 by V. तो ये अपने पास मिरर फॉर्मूला बेटे ड्राइव होता है. तो आज अपन ने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से जो मिरर फॉर्मूला है उसकी डेरिवेशंस की है, और आई होप कि आप सभी को समझ आई होगी. और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है बेटे तो कमेंट बॉक्स के अंदर जाइए और अपनी वो प्रॉब्लम बेटे वहां शेयर कीजिए, और जितना कोशिश हो सका मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा बेटे. थैंक यू सो मच.